नमस्कार साथियों, सिटी लाइव में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लगातार सिटी लाइव के माध्यम से बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, हम लगातार पहले भी आपको दिखा चुके हैं अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कोरोना वायरस को लेके क्या प्रतिक्रिया है और वो क्या देश के नाम और दुनिया के नाम क्या संदेश देना चाहते हैं, जिससे कि आम जनता जो है इस कोरोना वायरस से बच सके और अपना और अपने परिवार का और अपने समाज का और अपने देश का जो है बचाव वो किस तरह कर सके। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने योग गुरु स्वामी अमित देव, जो कि दिल्ली से हमारे साथ सीधे सीधे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। आप YouTube के माध्यम से और Facebook के माध्यम से मिल सकते हैं। अमित स्वामी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी। स्वामी अमित देव जी, क्या आप मुझे, हाँ आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल जी, आपका सिटी लाइव में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर क्षेत्र के जो लोग हैं वो देश और दुनिया की जनता को सोशल डिस्टेंस जो है वो लगातार समझा रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसका बचाव ही उपचार है, यही इसकी सबसे बड़ी जो रेमेडी है वो देखी गई है। उसके बावजूद भी आम जनता जो है वो कभी सेल्फी लेने के लिए सड़कों पर उतर रही है, कभी बिना किसी काम के जो है सड़कों पर आ रही है। तो स्वामी अमित जी, आप लगातार पूरे देश और दुनिया में भ्रमण करते रहते हैं, आप आम जनता को इस वायरस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बचाव ही इसका समाधान है, क्योंकि हम जितना भी चाहें अभी इसकी मेडिकेशन मार्केट में एलोपैथ में नहीं आई है, जबकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ऐसा हम पहले बचपन से सुनते आ रहे हैं कि किसी चीज से बचकर रखें वही सुंदर माध्यम है। और जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें समझना चाहिए कि किस तरीके से ये छुआछूत की जो बीमारी आज मानव मात्र के कृतियों के द्वारा ये बढ़ गई है, क्योंकि हम अपने लिए सोचते हैं, समाज के लिए नहीं सोचते हैं। अब ये समय है, हमें जागरूक है। माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ देते हुए, बिना किसी भेदभाव को देखते हुए, हम सबको केवल और केवल अपने घर में बैठना है। जैसे आप भी देखिए, आप जयपुर में देश के एक कोने में है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। ये हम अपने 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 स्थान पर बैठ कर, कहीं स्टूडियो में जाके नहीं बात कर रहे हैं। ये हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, हम सबको इसकी इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी कि जितना हम बाहर जाएंगे उतना यह बीमारी फैलेगी। खुद क्योंकि मीडिया से जुड़े हुए हैं और हमारे पास ये अधिकार भी है कि हम हमारे स्टूडियो में जाकर भी ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते थे, क्योंकि जो मीडिया है या डॉक्टर्स हैं, कुछ जो लोग हैं वो इससे वो बाहर आ जा सकते हैं। बावजूद इसके हम आम जनता को, देश की आम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पास अधिकार होने के बावजूद भी हम बिना किसी काम के घर से नहीं निकल रहे हैं। अमित जी दिल्ली में बैठे हुए हैं, मैं जयपुर के एक कोने में बैठकर ये शो कर रहा हूं, अपने घर से शो कर रहा हूं। वहीं जो हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं सत्यजीत जी और विश्वजीत जी, वो अपने अपने घरों से पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हम सभी सोशल डिस्टेंस में होते हुए भी सोशल रूप से एक साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वामी जी, आप हमारे जो दर्शक हैं वो सुबह से शाम तक लॉकडाउन की स्थिति में और आने वाले 21 दिनों तक वो लॉकडाउन की स्थिति में रहेंगे, तो क्यों ना वो अपने शरीर को और स्वस्थ कर लें और बेहतर कर लें। आप योग के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि सुबह से शाम तक वो अपनी जो दिनचर्या है उसको किस तरह से अपनाएं, क्या क्या उसमें पौष्टिक आहार खाएं, किस तरह वो व्यायाम करें और किस तरह योग की क्या अहमियत है ऐसे दिनों में और रोज के दिनों में? शायद परमपिता परमात्मा की आवाज है, जो हम आज इतनी सुख सुविधाओं होने के बावजूद भी उसने एक मौका दिया है हमें कि हम जो जर्नी हमारे जीवन का मात्र एकमात्र ध्याय है, अंतरात्मा की ज्ञान और उसकी तरफ यात्रा करना। तो ये जो 21 दिन आने वाले हैं, आप क्यों ना उस यात्रा को शुरू करें। आपका पूरा एक पूरा दिनचर्या का चार्ट बनाइए। सुबह सूर्य देव को आप खुद उठाएं, सूर्य देव आपको ना उठाएं। यानी कि ये नहीं है कि आप घर पे हैं तो आप आराम से 11 बजे तक सो रहे हैं, आप बिस्तर छोड़ दीजिए सूर्य देवता के उठने से पहले। उसके बाद दिनचर्या से निर्मित होकर अपने हाइजीन को मेंटेन करते हुए आप सुबह जिस भी धर्म का आप पालन करते हैं, स्वाध्याय करिए,
जिस तरीके से आप ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहते हैं, उसकी मदद लेना चाहते हैं, वो करिए। उसके बाद योग के अंदर हमारे षण्मुखी मुद्रा का एक साधन है, जिसमें जो ये उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो बहुत सिद्ध महापुरुष हैं, षण्मुखी मुद्रा उन लोगों के लिए बनाई गई जिनको ज्यादा ध्यान की अवस्था के बारे में मालूम नहीं है, अपितु शुरू करने के लिए हमारे गुरुदेव ने यह सिखाया। कुछ नहीं करना है, एक आसन पे बैठिए आप, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जिसमें भी आपको अच्छा लगे, वज्रासन बैठ सकते हैं। अंगूठे से कान को बंद करना है, फर्स्ट फिंगर आपकी आईज पे, सेकंड नोज पे, थर्ड नोज के नीचे, फोर्थ लिप्स के नीचे। आपको आईब्रोज का बीच का भाग है, ये भ्रिकुटी कहलाता है, जहां हमें इष्ट परमात्मा गुरु साहब जिसमें हमारी आस्था धारणा है उनका ध्यान करना है। मात्र 5 से 10 मिनट से शुरू कीजिए। ये जो जीवन की यात्रा है ये आपके अंदर की है, बाहर की भौतिकता के अंदर ठीक है वो सब हमारे जीवन का एक पार्ट है, लेकिन जो सही मानव तन आपको मिला, आपके कर्मों को सुधारने के लिए मिला, इस मानव मात्र के कल्याण के लिए मिला। हम अधिकतर अपने लिए सोच के छोड़ देते हैं, अपने परिवार के लिए छोड़ देते हैं। आज अगर रोड पे भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट वाले की हेल्प करने के बजाय लोग सेल्फी खींचना या उसका वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो वो सोशल जागृति की आवश्यकता है कि वो जो एक्सीडेंट वाला प्राणी है वो आपका भाई हो सकता था, आपकी बहन हो सकती थी, आपको रिश्तेदार हो सकता था, तो वो जागरूकता चाहिए। और जहां तक इतनी बड़ी महामारी विश्वव्यापी जो फैल रही है उसके लिए योग के अंदर यम और नियम का बहुत बड़ा अध्याय है, जिसके अंदर आपकी शौच, दिनचर्या, नियम पूरा उसमें सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से अपने जीवन को जीना है, किस तरीके से आपने अपने नित्य कर्म को करना है। तो वो स्वाध्याय योग के आपके जीवन में आप उतारिए इस 21 दिन के अंदर। आपको हम लिंक देंगे, उसके अंदर पूरा ब्यौरा है कि किस तरीके से आप पूरा अपना दिनचर्या कर सकते हैं, कौन कौन से आसन कर सकते हैं, कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं। जी अमित जी, देखिए दर्शकों के जो व्हाट्सएप पे हमारे सवाल जो है वो आने शुरू हो गए हैं, वो हमारे दर्शक ये चाहते हैं कि एक बार आपने जो अभी योग बताया था वो एक बार पुनः बताएं, और कौन सा योग है, सुबह उठने के कितनी देर बाद करना है, तो थोड़ा सा आप एक बार इसको वापस से रिपीट कर दें ताकि हमारे जो दर्शक इस समय देख रहे हैं पूरे देश और दुनिया में वो इसका फायदा उठा पाए। जी, इसको कहते हैं षण्मुखी मुद्रा, क्षण में अंतर्मुखी होने वाली मुद्रा को षण्मुखी मुद्रा कहा जाता है। के अंदर आपको क्या करना है, अंगूठे से कान बंद, आंख के ऊपर, नाक के ऊपर, नाक के नीचे, होंठ के नीचे, कान को पूरी तरह से आप बंद करेंगे, बाकी जगह केवल हल्का हाथ रहेगा। इसको लॉक करने का ध्याय जो है हमारा, ताकि बाहर की कोई ध्वनि आपके ध्यान को क्षीण ना कर दे। अगर आप आईब्रोज पे अपनी आईज के ऊपर फिंगर रख के देखेंगे, जो बाहर की रोशनी आपको दिखती है उससे दबाव, ताकि एकदम से रोशनी आए तो चिन्हिया नहीं जाए। जी, ये जो है ये प्राणायाम के लिए, इसके साथ साथ आप प्राणायाम एडवांस स्टेज में कर सकते हैं। तो श्वास भरना, रोकना, छोड़ना, भरना, रोकना, छोड़ना, तो इसके साथ साथ नाड़ी शोधन, सूर्यवेदी, चंद्रवेदी प्राणायाम किया जाता है, ताकि आपकी आध्यात्मिक जागृति है वो और अच्छे तरीके से हो। जो आपकी थर्ड फिंगर है इसको आप नथनों के नीचे रखते हैं, ताकि कोई फ्लाई, मक्खी, मच्छर आपके नाक में ना जाए, और इसको हम अपने लिप्स को क्लोज करने के लिए रखते हैं। एवरीथिंग इज साइंटिफिक, इसके अंदर योग जो पूरा है अपने आप में विज्ञान है। ये केवल झोला छाप आपकी मात्राओं से नहीं जिया जाता, इसको आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में जब अपनाएंगे तो आपको एक एक स्वाध्याय का पूरा साइंटिफिक पॉइंट मिलेगा। जी स्वामी अमित देव जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो लॉकडाउन है पूरा देश 21 दिनों के लिए, और दूसरी तरफ आपने जो ये आसन बताया है इससे भी हमारा शरीर लॉक हो जाता है, तो इस लॉक से हम लोगों के शरीर में क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले आपकी जो एंजाइटी लेवल है, क्योंकि आज एक पैनिक बहुत ज्यादा है, जो लोग जागरूक हैं उनमें ये पैनिक है कि हमें कोरोना हो जाएगा, मर जाएंगे। देखिए, ये जो मृत्यु है जीवन का कड़वा सत्य है, लेकिन बिना मरना भी गलत है। तो स्वाध्याय के अंदर आप जागृत होकर उसके अंदर उतरते हैं तो आपकी अंतरात्मा के अंदर वो स्फूर्ति और वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आता है। ये इसका प्रोसेस लगभग 40 दिन का है, तो मोदी जी ने अभी 21 दिन किया, तो आधा तो इसको पूर्ण कर ले हम। शुरू के 10 दिन हमारा मन एकाग्र नहीं होता, जब भी आप बैठेंगे तो इधर उधर के बहुत सारे विचार आते हैं,
मेरा दोस्त क्या कर रहा है, अखबार में आज ये पढ़ा, या मैंने कल ऑफिस में ये किया था, या ये प्रेजेंटेशन देनी थी, तो 10-1 दिन का समय लगता है आपके मन को एकाग्र होने के लिए। 10 से 15 से 20 दिन जो है उसके बीच में आपको शून्य में चले जाते हैं आप, शून्य अवस्था जिसको बोला जाता है ध्यान की, विच इज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। हमारे माइंड में 4 लेवल है, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड। राइट नाउ ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन अनकॉन्शियस माइंड। हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, बाहर नहीं जाना है फिर भी हम जा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, कोई देखने जा रहा है कि बाहर का माहौल कैसा है। आई मीन आपको एक रिक्वेस्ट की गई इस देश के राजा के द्वारा, जब राजा किसी से भिक्षा मांगता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो कितना बड़ा संकट का समय है। तो हमें सबको मिलकर इस विश्वव्यापी जो बीमारी महामारी फैली है, इसको हम सब मिलकर एकाग्र होकर इसको तोड़ सकते हैं, इसको पिछाड़ सकते हैं। जो 15 से 20 दिन के बाद है तो जो 15 से 20 दिन के बाद आपका प्रोसेस आएगा, आपको आपको कलर्स दिखेंगे, डार्क से लाइट, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, रेड, या अल्टीमेटली व्हाइट पे पहुंच जाएगा। आपको पता लगे कि हम प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। इनिशियल आप शुरू कीजिए, जब आपके हाथ दुख जाए तो दोनों हाथ घुटनों पर रख लीजिए, फिर लगा लीजिए। ऐसा कोई इसमें नहीं है कि आपको एक घंटा इसी भाव में बैठना है, क्योंकि बॉडी है उसको अभ्यास होने में थोड़ा समय लगेगा। 20 से 25 दिन के बीच में आपको डिफरेंट साउंड सुनाई देती है, ढोल, मृदंग, नाद, शंख, इस तरीके की। 30 से 40वें दिन आपका जो माइंड है वो कॉन्शियस लेवल में आ जाता है, आप जानने लगते हैं कि आप जीवन में क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं। 30 से 35 दिन के अंदर आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अब आपके पास अगर टीचर है, गुरु है, तो वो आपको सुपर कॉन्शियस माइंड तक बहुत जल्दी ले जाता है, नहीं तो ये जर्नी बहुत लंबी है, बहुत समय लग जाता है। लेकिन इस स्वाध्याय को अगर जीवन में अपनाते हैं, षणमुखी मुद्रा को अपनाते हैं, तो आप निश्चित तौर पर अपने जीवन को संयमित कर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चल सकते हैं। जी निश्चित रूप से आपने सही कहा कि गुरु के बिना जो ज्ञान है वो बिल्कुल अधूरा होता है, और एक अच्छा गुरु ही एक अच्छा मार्गदर्शक हो सकता है और आपके जीवन को जीने की जो कला है उसको कहीं ना कहीं सफलता की ओर शिखर तक लेके जाता है। हम आपसे यहाँ पर अमित जी ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह भौतिक दुनिया में तो आदमी को अगर जयपुर से दिल्ली आना है या दिल्ली से अगर कश्मीर जाना है तो उसको अपनी बॉडी को भी लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन योग के माध्यम से या फिर कहें कि अध्यात्म के माध्यम से हम यहां बैठे बैठे भी दिल्ली, कश्मीर और कहीं की भी यात्रा कर सकते हैं। तो आप बताएंगे हम योग के द्वारा पूरे देश और दुनिया की यात्रा कैसे कर सकते हैं। मैं अभी आपसे बात कर रहा था सुपर कॉन्शियस माइंड की, दैट इज व्हाट सुपर कॉन्शियस माइंड इज। जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो आप अपने स्थूल शरीर को छोड़कर आपके कारण शरीर के साथ पूरा भ्रमण कर सकते हैं डिफरेंट जगह पर। लेकिन आज के साइंस में जब आप इस चीज को प्रैक्टिकल अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, इसके ऊपर विश्वास करना, इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम ज्यादा इसका प्रचार थ्योरेटिक रूप में नहीं करते, क्रियात्मक रूप में ज्यादा करते हैं। जो भी हमारे भाई बहन या मित्र इस चीज को सीखना चाहते हैं, षणमुखी मुद्रा का 40 दिन अभ्यास कीजिए, फिर हमारे कॉन्टैक्ट में आइए, दीपक जी के द्वारा आपको स्वयं उस यात्रा की ओर हम अग्रसर करेंगे, और ये बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। स्वामी अमित देव जी, हम आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि लगातार पूरे देश और दुनिया के जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, ये अपनी जो शरीर की इम्यूनिटी होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, हमारी आंतरिक जो ऊर्जा होती है वो अगर कमजोर होती है तो ये वायरस ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट करता है आपकी बॉडी के अंदर। तो विशेष रूप से जिस तरह बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं या जो बीमार लोग हैं उनके ऊपर इसका अटैक जो है वो ज्यादा होता है, तो हम हमारे शरीर का, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा साथी भी क्यों नहीं हो, वो शरीर के आंतरिक जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए ऐसा कौन सा योग करें, घर में बैठे बैठे ऐसे कौन सी सामान्य मुद्राएं जो है वो हासिल करें जिससे कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़े, या जो आंतरिक उनकी जो एनर्जी है वो किस तरह से डेवलप हो सकती है। देखिए, जहां तक योग का अहम स्वभाव कहते हैं तो योग में केवल आसनों से कार्य नहीं चलेगा,
शुद्धि क्रियाएं जो हमारी षटकर्म की विधियां हैं, अगर अभी तो ये ऐसा समय है सिखाना बहुत मुश्किल है, बट जितना आप लोग जानते हैं एटलीस्ट वो इसको अपनाएं, और जो मेरे भाई बहन इसको नहीं कर सकते हैं, छोटे टिप्स सबसे ज्यादा आपके लिए जो कार्य बढ़िया रहेगा, अपने हाथों को जैसा कि टीवी सोशल मीडिया न्यूज़पेपर सब जगह दे रहे कि हमको अपनी सेल्फ हाइजीन को मेंटेन करना है, स्पेशली आपके घर के डोर्स जो कभी केबल वाला है दूध वाला है वो आके डिफरेंट लेवल लोग टच करते हैं, उसको सैनिटाइज कीजिए, हाथों को कम से कम दिन में 10 से 15 बार 20 सेकंड के लिए धोइए, ये तो हो गया सेल्फ हाइजीन। उसके बाद हर दो घंटे के बाद आप पानी लीजिए, सेंधा नमक अगर आपके पास है तो बहुत सुंदर, नहीं तो नॉर्मल सॉल्ट देकर गागल्स कीजिए, क्योंकि ऐसा जो ये जो वायरस है ये आपके म्यूकस के द्वारा फैलता है, म्यूकस है आपके अंदर कफ की प्रवृत्ति ज्यादा होना, कफ का जो फॉर्मेशन है उसके द्वारा ये बढ़ता है, और ऐसा साइंस और डॉक्टर्स बताते हैं कि लगभग 3 से 4 दिन ये वायरस आपके गले में रहकर पहले गले को इन्फेक्ट करता है, उसके बाद ये आपकी इम्यूनिटी पर अटैक करता है, तो क्यों ना हम शुरू के 4 दिनों में ही इस वायरस पर अटैक करें केवल गागल्स के द्वारा, गरारे जिसको हम बोलते हैं, पहले हर कोई करता था गर्म पानी से, आजकल तो माउथ वॉश बहुत सारे आ गए, गर्म पानी करने से आपको पता है 25 से 27 डिग्री के ऊपर ये वायरस किल हो जाता है, जब आप गर्म पानी के गरारे करते हैं तो साइंटिफिकली भी ये बहुत बढ़िया साधन है। उसके अलावा हमारे योग में सूत्र नेति है, जल नेति है, में गाय का देसी घी है, अगर आपके पास प्योर ताजा देसी घी हो तो उसको गर्म कीजिए, 5 ml एक नाक पे डालिए, 5 ml एक नाक पे डालिए, आपका संपूर्ण श्वसन प्रणाली स्वस्थ हो जाएगी, आपको नींद अच्छी आएगी, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी, इस वायरस को मारने में खत्म करने में बहुत बड़ा अचूक साधन है वो। स्वामी अमित जी, जैसा कि आपने बताया कि लगातार हमको हर 10 से 15 मिनट में हाथ अपने वॉश करते रहने चाहिए, घर के जो दरवाजे हैं जो डोर्स हैं तो उनको सैनिटाइज करते रहना चाहिए, तो इनके साथ साथ में हम ऐसी कौन सी चीजों का ख्याल रखें, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि लोग ऑनलाइन जो है कभी पिज्जा मंगवा रहे हैं, कभी बर्गर मंगवा रहे हैं, कभी आइसक्रीम मंगवा रहे हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं उनसे खाने से भी लगातार लोगों में जो है नुकसान हो रहा है, उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है, तो खाने पीने में कौन सी हम ऐसी पौष्टिक चीजें लें जिससे कि हमारे आम जनता को फायदा मिले। आप जितना हो सके घर का भोजन कीजिए, बाहर का भोजन नहीं कीजिए, सब्जी आप ला रहे हैं उसको गर्म पानी में वॉश कीजिए, दूध की अगर आप थैली में लाते हैं तो उस थैली को पहले साबुन से साफ कीजिए बाहर से, उसको गर्म पानी से बाहर से अच्छे से साफ कीजिए, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद उस दूध का प्रयोग आप करें, क्योंकि बैक्टीरिया ये सरफेस से ज्यादा फैलता है, जैसे कुछ सामान पड़ा है किसी ने उस पर छींक दिया, उसके कुछ भी कण आपके म्यूकस के उसके ऊपर आ गए तो वो कंटैमिनेट हो जाता है दूसरा व्यक्ति जो उसको टच कर रहा है, ये हवा में फैलने वाला वायरस नहीं है, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट फैलने वाला वायरस है, ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने वाला वायरस है, तो जितना आप हाइजीन और सैनिटाइजेशन को मेंटेन रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। सूखा दूध का प्रयोग करें, वो सबसे सुंदर है क्योंकि उसमें किसी का टच नहीं है, आपको एक बार पैकेट ही साफ करना है, जितना जरूरत हो उतना प्रयोग करें, और जहां तक हो सके जो हमारा चने का आटा है उसको मिक्स कीजिए थोड़ा सा गेहूं के आटे के अंदर, हल्का सा उसमें जौ का आटा मिक्स कीजिए, उस भोजन को करने से आपकी इम्यूनिटी कम से कम 15 से 20% बढ़ जाती है, क्योंकि गेहूं इटसेल्फ इज नॉट, वो एक तरह से आपकी फाइबर की कमी है गेहूं के अंदर, गेहूं हमारे हिंदुस्तान का भोजन नहीं था, पहले बाजरा खाया जाता था, चंदा आटा खाया जाता था, इसको मिक्स करके खाते थे, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से गेहूं को पचाना थोड़ा मुश्किल है, जैसे आप साउथ में और चले जाएं तो अगर आप गेहूं की बनी हुई रोटी खाते हैं तो आपको 10 दिन में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, फाइबर की कमी हो जाती है, इसका रीजन है कि वहां पे चावल का प्रचलन ज्यादा है। दूध लीजिए, पौष्टिक आहार लीजिए, दही घर में जमाइए। जी स्वामी जी, हमारे जो दर्शक हैं ये देखिए, अभी नोएडा से ही मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, ये पूछने वाले हैं तनुज भट्ट, ये नोएडा से हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि दिन भर जो घर में बैठे बैठे नींद भी ले लेते हैं, खा पी भी लेते हैं,
तो रात को नींद आने में परेशानी होती है। तो रात को सोने से पहले हम ऐसा कौन सा आसन करें जिससे कि रात को नींद उनको अच्छी से आ जाए, ऐसे कोई टिप्स हैं जिससे कि हम योग के माध्यम से वो योग करें और हमको रात को नींद अच्छी आ जाए? जी, जैसा कि गागल्स आप जब करेंगे तो गले में इन्फेक्शन कम होगा। नॉर्मली भी ये जो वेदर चेंज हो रहा है इसमें हमारा नाक कान का बहुत सेंस होता है, तो हम डर जाते हैं कोरोना वायरस हो गया, तो ये नॉर्मल आपको खांसी जुकाम भी हो सकता है। तो अगर गागल्स आप करते हैं, पहला बात, गाय का घी अगर फ्रेश हो, एक महीने से पुराना नहीं, वो आप अपनी नासिका में गर्म करके डालें। जब आप सुबह बिस्तर जल्दी छोड़ेंगे, सूर्य देवता को आप उठाएंगे, तो आप रात को बिस्तर पे जल्दी जाएंगे। आजकल नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, सब लोग वही देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि हमें कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। स्वाध्याय हमारे ग्रंथ हैं, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, आज आप उनको पढ़िए। नहीं कह रहा आप अपना एंटरटेनमेंट नहीं करें, बहुत अच्छी, अपने पूरे बिल्कुल बिल्कुल सिस्टमाइज कर लीजिए आप कि मैं एक घंटा तो एटलीस्ट वो स्वाध्याय अपने जीवन में अपनाऊंगा, और उनको पढ़ने से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है, आप अपने संस्कृति को जानते हैं, अपने ज्ञान को और अर्जित करते हैं। जी, तो नाक में अगर आप क्या स्वामी अमित देव जी आपको नहीं लगता कि जी जी नाक में घी डालने से हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जी स्वामी जी आपको ये नहीं लगता है कि हम जैसे जैसे हमारी परंपराओं से दूर जा रहे हैं, हमारी संस्कृति से हम दूर जा रहे हैं, और पाश्चात्य जो संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको लगातार अपना रहे हैं, और जब से हम अपना रहे हैं तब से हमारे स्वास्थ्य में भी गिरावट आ रही है, हमारे संस्कृति और हमारे समाज में भी कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं वो नजर आ रही हैं। तो आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि हमारी भारतीय जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, उनको किस तरह से हम वापस अपनाएं जिससे कि हम हमारा जीवन और सफल बना सकें? आज आप देखिए पूरा विश्व हमारी संस्कृति को अपना रहा है, कोई शेकहैंड नहीं कर रहा है, सब नमस्कार कर रहे हैं, निश्चित रूप से सब प्रणाम कर रहे हैं, दूर से एक डिस्टेंस बना रहे हैं। ये संस्कृति हमारी आज की नहीं, बहुत पुरातन आदिकाल से चली आई है। हमारे यहाँ चरण छूने का प्रभाव और प्रचलन है, उसमें भी देवियों को, पुरुषों के पैरों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, धरती पर आप प्रणाम करें। आजकल का जो प्रचलन गया है, देवियों को, पुरुषों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप जो सामने वाले के चरण छूते हैं उससे उसका ज्ञान आपके अंदर अर्जित होता है। हम मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च जाते हैं, मॉस्क में जाते हैं, तो हम प्रणाम करते हैं, हमें प्रणाम करना भी नहीं आता। प्रणाम के अंदर प्राणों का आयाम जब आप करते हैं तब वो पूर्ण होता है। जब आप प्रणाम कर रहे हैं या किसी के पैर छू रहे हैं तो श्वास छोड़िए कि मेरी विषमता इस धरती माता में जाए, और मैं जब उठूं तो श्वास को भरें आप, ताकि एक स्वच्छ और नई ऊर्जा के साथ, नए उस ऊर्जा के स्रोत के साथ आपके अंदर वो ग्रहण करें। क्योंकि जब हम किसी के पास जाएं तो हम अपना पात्र खाली कर जाएं। यूजुअली क्या होता है, हम किसी से सीखने जाते हैं और उसको सिखाने की कोशिश करते हैं और सीख के वापस आ जाते हैं। अपना पात्र खाली कीजिए, अगर पात्र पहले से भरा है तो वो कुछ भी डालेंगे वो बाहर छलक जाएगा। ठीक है जी, तो पुरातन संस्कृति जो हमारी है, निश्चित रूप से बहुत अच्छी, बहुत बड़ा जी, बहुत बड़ा उसमें है। जी स्वामी अमित जी, सुबह भी हम आपसे बात कर रहे थे, आप लगातार अपने कुछ टिप्स की जो चीजें हैं वो भी तैयार कर रहे थे कि क्योंकि आप भी अभी अपने घर पर अपने आश्रम में बैठे हो, वैसे तो आप पूरे देश और दुनिया में भ्रमण करते रहते हैं लेकिन अभी आप खुद अपने आश्रम में अपने घर पर बैठे हैं, तो आप किस तरह से अपने दिनचर्या को कायम रखते हैं, किस तरह आप अपने दिनचर्या को, और क्या आपने कौन कौन से टिप्स तैयार किए हैं वो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। देखिए हमारी जो संस्था है लगभग 132 वर्ष पुरानी, हम लोग सबसे पुराने हैं योग में, तो मैं लगभग पांचवी पीढ़ी में पहुंच गया। तो हमारे जो दादा गुरुदेव हुए, योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, जिनका चित्र आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, उन्होंने जीवन तत्व साधन नाम का एक सिस्टम बनाया जो मानव मात्र के लिए, 3 साल के बच्चे से लेकर और लगभग एनी एज, अगर आप श्वास ले रहे हैं तो आप उस आसन को कर सकते हैं। उसके 7 श्रृंखलाबद्ध आसन है
जो मेजरली आपकी इम्यूनिटी पे ही काम करते हैं। योग के अंदर स्पाइनल डिसऑर्डर्स हो गए, ज्वाइंट्स डिसऑर्डर्स हो गए, उनको छोड़कर अगर कोई कहता है मैं इस चीज का इलाज कर रहा हूं, मैं उस चीज का इलाज कर रहा हूं, नहीं। योग का मेन ध्येय आपकी इम्यूनिटी पर काम करना है, आपकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली को स्ट्रांग करना है, और कुछ नहीं। ये इस कला के अलावा कुछ भी नहीं। इसके अंदर हमारे षटकर्म आ जाते हैं, नेति धोती बस्ती कपाल भाती त्राटक, जिनका ज्ञान केवल किताबों तक रह गया है, प्रैक्टिकल बहुत कम इंस्टीट्यूट करा रहे हैं, और जो करा रहे हैं वो भगवान मालिक है उसका। आपके हमारे पूरे इंडिया में लगभग महाप्रभु जी की 100 से ऊपर ब्रांचेस हैं, जहां निशुल्क निष्काम योग की सेवा चलती है और पूर्ण प्रैक्टिकल योग हम लोग सिखाते हैं। तो मैं एक हमने एक छोटी सी एक जानकारी के लिए, जागरूकता के लिए एक हमने स्लाइड बनाई है, जो हम दर्शकों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, नीचे जो लिंक बाद में हम देंगे जी, ताकि जी। वो जागरूक हो जी जी कि हम क्या क्या चीज करें और क्या ना करें। आपकी परमिशन हो तो मैं स्लाइड को दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शकों के संदेश भी आ रहे हैं कि स्वामी जी से कहां कैसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए कोरोना जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्राउन है इसके ऊपर। कोरोना वायरसेस पहले भी रहे हैं, बट ये जो वायरस है जिसका भी ना तो एंटीडोट है ना इसका ट्रीटमेंट एलोपैथ में है, तो आप देखें क्राउन। इसको COVID-19 इसलिए कहा गया, दिसंबर में आया तो 19 का नाम इसको दे दिया गया, खासकर हिंदुस्तान में। कफ कोल्ड फ्लू तो बचपन से चला आता है, क्योंकि सीजन चेंज होना है, जिन लोगों को साइनस का प्रॉब्लम है वो कॉमनली इस चीज को देखते हैं। आपको क्या करना है, ये कुछ पॉइंट्स है। आप 20 सेकेंड तक अपने हाथों को धोएंगे, अपनी आंख नाक नोज माउथ को टच जितना कम से कम हो उतना टच करें, लोगों के कांटेक्ट में कम से कम है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें। जब भी आप छींके कपड़ा रखें अपने मुंह के आगे या अपने हाथ से रखें, और उसके बाद अपने आप को सैनिटाइज करें, उस कपड़े को सैनिटाइज करें, और डिसइंफेक्ट करते रहें जिन भी चीजों को हम बार बार टच कर रहे हैं, और जितना हो सके आप अपने घर पे रहें। ये तो है प्रिवेंशन की बात, क्या क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। हाथ नहीं मिलाना है, बार बार अपनी आंख नाक मुंह को टच नहीं करना है, पब्लिक में थूकना नहीं है, छींकना नहीं है, खांसना बिना हाथ रखे नहीं है, और जितना भी आपका टिश्यूज है उनको बंद कर प्रॉपरली आप ड्रेन में डालें। योगा आपका इम्यूनिटी बूस्टर हो सकता है, इट्स अ नेचुरल वे टू बूस्ट योर बॉडी और आपकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली को स्ट्रांग करने के लिए। हमारे महाप्रभु रामलाल भगवान जी ने जीवन तत्व साधन दिया जिसमें 7 आसन है। सबसे पहला है नाड़ीतान, आप जब फर्श पे लेट जाते हैं और दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हैं, एड़ी पंजे मिलाते हैं, श्वास को भरते हुए हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं। जब आप पूरा आपका हाथ पीछे की ओर जाएगा तो पंजे जमीन की ओर खींचेंगे। ये इसको रिपीट कर सकते हैं आप 3 से 5 बार। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी शरीर की 72,000 नसनाड़ियां 72,000 वेन्स एंड नर्व्स को रेक्टिफाई या सुचारू रूप से काम करना शुरू करता है। उसके बाद है शुष्क नौली। जहां तक बात है हमें भोजन हजम करने के लिए अपना पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग करना है, तो उसके लिए शुष्क नौली है। स्कंद चालन भी इसको बोलते हैं। तो आप पद्मासन सुखासन सिद्धासन में बैठकर दोनों कंधों की रोटेशन करते हैं लेफ्ट टू राइट। उसके बाद आइए पग चालन, जमीन पर लेटकर राइट पैर को लेफ्ट पैर पर रखते हैं, कमर को लेफ्ट टू राइट रोटेट करते हैं। इससे भी आपका पाचन तंत्र सुदृढ़ होता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। जो ज्यादा फैटी लोग हैं जिनके कमर में वेट ज्यादा है, चर्बी ज्यादा है, उनके लिए अचूक साधन है कम से कम 50 बार से शुरू कर इसको 200 बार तक ले जाइए। मात्र 1 महीने में 2 से 3 इंच कमर कम होती है। उसके बाद आते हैं नाभि चालन। जैसे पैरों को क्रॉस अगर आप देखें तो पग चालन में क्रॉस लेग्ड है
और नाभि चालन में दोनों पैरों को मिला के किया जाता है। इसको भी सेम प्रोसेस है, श्वास भरे, श्वास को रोके, कमर को ट्विस्ट करें जितना आपकी क्षमता अनुसार। स्थिर सुखम आसनम, आसन को जबरदस्ती नहीं करना, जितना आपकी स्थिर में शरीर में क्षमता है उस हिसाब से आप करें। उसके बाद है बाल मछलन, जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है तो अपने हाथ पैर हिलाकर उस दूध को हजम कर लेता है, वही चीज वही आसन बच्चे से इंस्पायर होकर हमने लिया। ये भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है। उसके बाद है अंतरचाल, अंतरचालन में आप देखें एक पैर को मोड़कर आपकी जंघा के ऊपर रखा जाता है, श्वास भरते हुए आपका घुटना जो पैर है उसी तरफ जमीन पे लगाते हैं, फिर वापस आते हैं, क्योंकि जो हम मेट्रो सिटीज में मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं उसके अंदर नाभि गिरना, धरण पड़ना एक कॉमन कॉज है जो एलोपैथ में डायग्नोज नहीं होती है, बट इसका अस्तित्व है। रोज सैकड़ों लोग प्रॉब्लम से आते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन हो गई, हमें कब्ज हो गई, हमारे लूज मोशन लग गए, हमें डायरिया हो गया। उसको जब हम ये आसन कराते हैं तो विद इन 5 to 10 minutes उसको आराम आ जाता है, और इसको लगभग 3 दिन करने से आपकी विषमता वो पूर्णतया दूर हो जाती है। उसके बाद आएंगे नाड़ी संचालन, आप दोनों पैरों को खोलकर देखिए किस तरीके से आप एक हाथ राइट हैंड को लेफ्ट अंगूठे पे टच कर रहे हैं और वैसे ही राइट हैंड को लेफ्ट अंगूठे पे, तो ये लगभग 20 से 25 बार। अगेन ये आसन जो है माँ, जो हमारी पुराने जमाने की माताएं बहनें चक्की से आटा पीसा करती थी, तो ये आसन उससे इंस्पायर्ड है, तो आपका पाचन तंत्र सुदृढ़ होता है। और सबसे मेजर जो है अपने मन शरीर को शांत करना, विच इज थ्रू शवासन। आप हर आसन के बाद शवासन करते हैं, आपकी जो वाइटल बॉडी है, आपका जो प्राण है, माइंड है, लंग्स है, स्टमक है, इसको आप बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं, अपने श्वास की गति के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने शरीर के एक एक भाग के ऊपर आप कारण शरीर के द्वारा देखते हैं। ये धीरे धीरे अभ्यास से पॉसिबल है। ये तो हो गए आसन, जैसे मैं बता रहा था नाक में घी डालने की बात, जो मेडिकेटेड काउ का घी है, आपको तो अभी मेडिकेटेड नहीं मिल पाएगा बट इमरजेंसी में आप डाल सकते हैं, लेकिन होना घर का चाहिए, ताजा होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो नुकसान करता है। इट शुड बी 15 to 20 days ओल्ड, उससे ज्यादा नहीं। गाय का हो तो उससे बड़ा अमृत कोई नहीं। उसको आपको 5 ml एक नॉस्टल में डालना है, 5 ml एक नॉस्टल में डालना है। इसको आप ड्रॉपर से भी डाल सकते हैं, चम्मच से भी डाल सकते हैं। इससे आपके जितने बाल सफेद होना है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, आपके हेडेक होता है, नाना प्रकार की ENT की प्रॉब्लम्स का एकमात्र साधन उपाय है नाक में गाय का शुद्ध देसी घी मेडिकेट करके डालना। अब देखिए उसके बाद आता है जल नेति, जो आज के इस वायरस का आप ये समझिए इसका एटम बॉम्ब है, परमाणु बम है उस वायरस के लिए। क्यों? दो चीजें, एक तो पानी गर्म है, उसका टेम्परेचर आपका 30 से 35 डिग्री से ऊपर है या उससे थोड़ा कम, जैसा आपकी प्रवृत्ति है। आप देखेंगे एक नासिका में पानी डाल रहे हैं, दूसरी नासिका में स्वेता आ रहा है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी इसके अंदर, ठीक है जी। आपका कंप्लीट कंट्रोल आपकी प्राणवायु पे हो जाता है। आप एक चीज देखिए, अगर आप श्वास को 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, 45 सेकंड्स तक होल्ड कर सकते हैं, आपको कोरोना वायरस नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा अटैक आपके लंग्स पे होता है। आप श्वास नहीं रोक पाएंगे, श्वास लेने में दिक्कत आएगी। तो आप एक लेमन लैंग्वेज में देखिए, लेमन की तरह से समझिए कि जो हमारा नेसल पैकेज है, जो हमारा ब्रोंकाइल पाइप है, जब हम उसी को साफ कर देंगे, कोई बैक्टीरिया नहीं रहेगा, तो वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा। बहुत खूब। उसके बाद ये जो नेक्स्ट स्टेज है, ये आपको बिना देखरेख के, बिना गाइडेंस के नहीं करना। वैसे तो कुछ भी योग आपको बिना गाइडेंस के नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, देखे दिखाए करे योग, चीजें काया बड़े रोग। देख दिखा के योग नहीं करना चाहिए, लेकिन आज हम ऐसी परिस्थिति में हैं, तो ये आपको एडवांस आगे के लिए बता रहे हैं कि आप इसको भी सीखें, ताकि ऐसी विषमताएं आए ही नहीं।
जैसे नाली में कुछ मल फंस जाए तो हम झाड़ू मारते हैं, ये वही तरीका है ना। ये एक रोप होता है कॉटन थ्रेड का, इसको आप नासिका में डालते हैं, मुंह से बाहर निकालते हैं। ये बहुत पौराणिक विधि है, आज की नहीं है, जब से योग है तब से षटकर्म का एक अभिन्न अंग है। ये गागल्स जिसकी हमने गरारों की बात करी, वो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग करें। ये तो ऐसी चीज है जो आप रेगुलर कर ही सकते हैं, इसमें आपको कुछ और नहीं करना। पानी लीजिए, उसमें नमक डालिए, सेंधा नमक डालेंगे तो सबसे अच्छा है, नहीं है तो व्हाइट सॉल्ट डाल लीजिए। उसके बाद आती है प्राणायाम की। प्राणायामम ततः सत्क्रिया ध्या यथा सुष्मृदु नाड़ी तबाला था। आप देखिए आपके श्वासों के ऊपर आपका पूरा जीवन आधारित है जी। आपकी बुद्धि जो है वो सात्विक होती है, जो हम सेल्फी खींचने जा रहे हैं, जब आप योग अपनाएंगे तो आप में जागरूकता, आपके कॉन्शियस लेवल बढ़ जाएगा। पूरक कुंभक रेचक, पूरक माने श्वास को भरना, कुंभक माने रोकना, रेचक माने छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम है जिसको आप कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में, जिससे आपकी जो लंग्स की पावर है वो बढ़ जाती है। जो षणमुखी मुद्रा की हमने बात करी थी, ये उसका एक पॉस्चर है, उसके इंपॉर्टेंस है, उसके फायदे हैं कि आप किस तरीके से करें, क्या क्या करें, आपके अंदर सुधार आएगा। ये हमने एक छोटा सा रूटीन बनाया है, आप 5-1 बजे उठे, डेली सेल्फ हाइजीन को मेंटेन करें, सुबह षणमुखी मुद्रा करें, आरती पूजा गुरु गीता का अध्याय, जो भी आप जिस भी धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि योग को हमारे गुरुदेव ने मानव धर्म की संज्ञा दी है। ये केवल हिंदू के लिए नहीं, केवल मुस्लिम के लिए नहीं, केवल ईसाई के लिए नहीं, केवल सिख भाई के लिए नहीं, ये मानव मात्र को जीवन जीने की कला है। तो आप जिस भी अध्याय को करते हैं उसको आप फॉलो कीजिए। उसके बाद 7:30 से 8 बजे तक आधा घंटा जीवन तत्व साधन, जो आपको हमने आसन दिखाए, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद नाक में घी डालिए, सूत्र नेति अगर आप जानते हैं तो करिए, नहीं तो मत करिए। जल नेति कीजिए, गरारे कीजिए। 9-1 बजे आप हल्का सा अल्पाहार ले लीजिए, कोई स्वाध्याय कीजिए अपने जीवन का, कुछ अच्छी किताबों को पढ़िए, नहीं तो ऑनलाइन देखिए। आप जिस भी धर्म या गुरु को फॉलो करते हैं उनका महामंत्र जो दिया हुआ है उसका जाप कीजिए कम से कम 1 घंटा, क्योंकि इस समय प्रार्थना से बड़ी चीज कोई नहीं है। हम सब मिलकर जब उस परमपिता परमात्मा के आगे अपना नतमस्तक होके उनसे प्रार्थना करेंगे कि इस महामारी से आप इस मानव मात्र को बचाइए, केवल मुझे नहीं बचाइए, हमें अपने से अपने परिवार से बाहर सोचना पड़ेगा, तभी वो ऊपर से कुछ अपनी ब्लेसिंग अपना आध्यात्मिक रूप से इसको ठीक करेंगे। उसके बाद आप लंच लीजिए 1 से 1:30 बजे तक। उसके बाद फैमिली के साथ बैठिए 1 घंटा, जिसमें आप स्पिरिचुअल डिस्कोर्स करिए, इधर उधर की बातें छोड़कर आध्यात्म की बातें कीजिए कि हम क्या थे, हम क्या हो गए। हर धर्म का इतिहास है, हर धर्म का अपने पूर्वजों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने जो भी प्रचारक हमारे हैं उनके प्रति आप वार्तालाप कीजिए घर पे, अपने बच्चों को बताइए। रात का भोजन 7:30 से 8 के बीच में ले लीजिए, उससे लेट मत कीजिए। उसके बाद फिर लगभग आधा घंटा 40 मिनट आप अपने इष्ट परमात्मा गुरु जिनको हम मानते हैं उनका ध्यान कीजिए, उनकी इच्छा स्तुति जिस रूप में आप करते हैं। रात को सोने से पहले फिर से षणमुखी मुद्रा का अभ्यास करें। योग निद्रा है गाइडेड मेडिटेशन, अपने शरीर को जब आप शवासन में लेटते हैं तो उसको कॉन्सेंट्रेटिव लेवल पे उसको वॉच करना, आंखें बंद रहेंगी लेकिन आप कारण शरीर के द्वारा अपने शरीर के एक एक अंग को रेक्टिफाई करते हैं, उसको अपनी और ऊर्जा को और संचारित कर उन विषमताओं से बाहर आते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट के कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वेबसाइट है mohfw.gov.in, यहां आपको पैनिक हुए बिना सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हमारी संस्था के द्वारा आज सोशल डिस्टेंसिंग है, अदरवाइज हम लोग कैंप्स करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, छोटे बच्चों के साथ, धर्म गुरुओं के साथ जा जाकर हम अपना योग का प्रचार करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, ये सब हमारी संस्था के कार्य हैं। हमारी संस्था लगभग 1888 से कार्यरत है, प्रभु जी के जन्म के साथ ही इसका हम स्थापना मानते हैं, और तब से लेके आज तक निःशुल्क निष्काम योग की सेवाओं में आपकी संस्था ये लगी हुई है। ये हमारी लिनेज है, 1888 से 1938 तक हमारे फर्स्ट गुरु जी रहे योग योगेश्वर रामलाल महाप्रभु जी, उसके बाद 38 से 1960 तक योगेश्वर मुखराज भगवान आए, 1960 से 1998 योगेश्वर देवीदाल जी महाराज आए,
1998 से लेकर 2016 तक स्वामी श्रीदेव जी महाराज, जिन्होंने पूरे विश्व को योग का ज्ञान, जो संपूर्ण योग है उसका ज्ञान बांटा निशुल्क निष्काम भाव में, और पूरे देश के अंदर लगभग 70 से ऊपर आपकी ब्रांचेस हैं, 9 स्टेट्स हमारी संस्था कवर करती है, और जहां आप आए योग सीखें, ये विषम जो विश्वव्यापी महामारी है इसको ठीक होने के बाद आप आइए, अपने जीवन में योग को अपनाइए, तभी हमारा जीवन सफल होगा और हम मानव मात्र के लिए। हमने प्रेजेंटेशन दीपक जी बनाया जिसको हम आप लिंक इसके ऊपर शेयर कर देंगे सो दैट पीपल कैन व्यू, निश्चित रूप से जैसे याद नहीं रहता है। जी निश्चित रूप से स्वामी अमित देव जी, आपने जो भी आज योग के माध्यम से या हमारी जो भारतीय परंपरा है उनके माध्यम से जो हमारे दर्शकों को सिटी लाइव के माध्यम से जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर हमारे इस समय जो भी देख रहे हैं या सिटी लाइव चैनल जो भी आगे भी देखेंगे उनको निश्चित रूप से इससे आज ही नहीं जीवन पर्यंत उनको किसी न किसी तरह से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और अपने जीवन को वो सुखमय बना सकते हैं। एक बार पुनः स्वामी अमित देव जी आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद मुद्रा अपनाएं और योग करें। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। सिटी लाइव अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।